लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल लेवल स्ट्रेटजी की uh, इसके अंदर वट वी विल डू इज़ वी विल लुक एट के अगर हम इन्वेंट्री को एज ए लीवर यूज़ नहीं करते बल्कि हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है uh, तो एक ख़ास मकदार से तो उसको फिर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर कर आउटसाइड किसी को दे देते हैं कि वो हमारे लिए ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले तो चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट तकरीबन वही है एक्सेप्ट फॉर इन द एंड के हमने लोएस्ट डिमांड पीरियड के इक्वलेंट वर्क फोर्स करनी है और लोएस्ट डिमांड पीरियड जैसे मैंने पहले था सर्कल किया था थर्टी एट को दैट वाज द रीज़न कि हमने इधर उसको यूज़ करना है दैट वाज इन मार्च सबसे कम डिमांड पर डे मार्च में थी तो दैट वाज 38 यूनिट्स पर डे की डिमांड थी तो उसके इक्वलेंट हमने वर्कफोर्स मेंटेन करनी है जो कि ये डिमांड जो है 38 यूनिट पर डे की जिसको मीट कर ले और इससे ज्यादा अगर कोई डिमांड आती है तो उसको फिर हैंडल हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू करें इसके अंदर हमारे पास डाटा वही है जनवरी 900 यूनिट की डिमांड है और ट्वेंटी टू डेज है दिस इज बेसिकली जो के हमारे लोएस्ट डिमांड मंथ है कि पर डे इधर डिमांड जो है वो सबसे कम है दैट इज थर्टी एट यूनिट्स की डिमांड इधर आ रही है लेवल स्ट्रेटजी की अगर हम इस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ देखें तो इसके अंदर uh, एक तो हमारी कैलकुलेशन है कि डिमांड पर डे क्या होगी दैट इज़ एक्सपेक्टेड डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन डेज तो जैसे मैंने बताया कि मार्च में एक्सपेक्टेड डिमांड uh, जो है उसको हमने उसके डेज से हमने डिवाइड करके वी केम अप अपर्टी एट यूनिट्स पर डे के हिसाब से डिमांड उधर आई है वर्क uh, फोर्स की रिक्वायरमेंट अगर हमने कैलकुलेट करनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड डिमांड जो भी है मल्टीप्लाई बाय 1.6 क्योंकि 1.6 चाहिए एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तो जितने यूनिट्स उसको हमने 1.6 से मल्टीप्लाई किया और 8 आर्स पर डे अवेलेबल है फॉर एक वर्कर के पास वर्कर वो उतना कंट्रीब्यूट करता है तो उस बेसिस से उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ, वर्क आ जाएगी कि वर्क हमें उस कितनी चाहिए दिस इज बेसिकली जो कैलकुलेशन हमने की हुई थी लाइक आई सेड दिस इज हमने कैलकुलेट किया है एट हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी वन गिव्स अप्रोक्सीमेटलीक्ल टू थर्टी एट एंड दैट इज द लोएस्ट अगर हम इसके अंदर कॉलम के अंदर देखें तो दैट इज द लोएस्ट फिगर विच इज़ थर्टी एट यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन तो हमने बेसिकली इसके इक्वलेंट अपनी जो वर्क फोर्स है वो मेंटेन करनी है हेयर इज दिस कैलकुलेशन जो के शो कर रही है के वी नीड टू हैव वर्क फोर्स विच कैन प्रोड्यूस थर्टी एट यूनिट्स इन रेगुलर टाइम